नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फेसबुक पर पश्चिम बंगाल की फ्रेंड की न्यूज फोटो पोस्ट करने पर कोलकाता पुलिस ने आरोपी को फतेहाबाद से गिरफ्तार किया। कोलकाता पुलिस युवक को फतेहाबाद सिटी थाने लेकर के गई। फतेहाबाद सिटी थाना SHO सुरेंद्र कंबोज बोले कि आरोपी महेंद्र नाम का एक युवक है जो फतेहाबाद का रहने वाला है और आरोपी पेंटर का काम करता है। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। अपनी फेसबुक फ्रेंड के अश्लील फोटो फेसबुक पर पोस्ट करने के आरोप में कोलकाता पुलिस ने फतेहाबाद के एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। कोलकाता पुलिस ने फतेहाबाद में अल सुबह ही रेड की और युवक को गिरफ्तार कर फतेहाबाद सिटी थाना लेकर आए। यहां पर फतेहाबाद पुलिस अधिक आवश्यक रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद में कोलकाता पुलिस गिरफ्तार युवक को कोर्ट में पेश करने के लिए अपने साथ ले गई। कोलकाता पुलिस की कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए सिटी फतेहाबाद थाना SHO सुरेंद्र कंबोज ने बताया कि कोलकाता पुलिस ने फतेहाबाद में रेड कर महेंद्र नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पेंटर का काम करता है। SHO ने बताया कि फेसबुक पर कोलकाता की एक महिला के अश्लील फोटो पोस्ट कर किए जाने के संबंध में FIR दर्ज की गई है और कोलकाता पुलिस ने मामले की जाँच करते हुए फतेहाबाद के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पीड़ित महिला आरोपी महेंद्र की फेसबुक फ्रेंड है और कुछ दिन पहले ही महेंद्र ने अपनी फेसबुक ID से अश्लील फोटो उसकी पोस्ट की थी, जिसके बाद महिला द्वारा कोलकाता पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई गई, जिसकी जांच करते हुए कोलकाता पुलिस फतेहाबाद पहुंची और फतेहाबाद के युवक महेंद्र को वहां से गिरफ्तार कर लिया। अब देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट। सर, कोलकाता पुलिस ने फतेहाबाद में रेड किए, क्या पूरा मामला था? ये पूरा मामला है, वहाँ साइबर सेल में मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसके अनुसार वहाँ की टीम आई है यहाँ कलकत्ता पुलिस की। तो एक फेसबुक पर गलत फोटो किसी लेडी के डाले, उसके संबंध में एक लड़के का राउंड ऑफ किया है, महेंद्र नाम है उसका, जो पेंटर का काम करता है यहाँ फतेहाबाद में। तो उसको माननीय कोर्ट में पेश करके ट्रांजिट रिमांड पर कलकत्ता ले जाया जाएगा कलकत्ता पुलिस के द्वारा। ये फेसबुक फ्रेंड ही है, उसके अनुसार को फोटो मिली, फोटो के पास उसको न्यूड फोटो वगैरह डाली गई है। ये कलकत्ता पुलिस का इन्वेस्टिगेशन मैटर है, वो देखेंगे इसमें उन्होंने क्या करना है।